हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एस विजय। और आज के इस वीडियो में हम किसी भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात नहीं करने वाले यार, हम बात करने वाले हैं फ्री फायर बैन के बारे में। मेरे को यार एक कॉल आया था काफ़ी समय पहले कि भाई फ्री फायर तो सर्च हो ही नहीं रही है प्ले स्टोर पर और ये बैन हो चुकी है। तो भाई काफ़ी लोग मुझे ये कॉन्टेक्ट कर रहे हैं कि भाई फ्री फायर बैन हो चुकी है, ये तो प्ले स्टोर पर सर्च हो ही नहीं रही, तो ये सच है कि झूठ है? तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपके लिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि फ्री फायर बैन नहीं हुई यार। आप जैसे देख सकते हैं, अगर आप फ्री फायर सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो आपको नहीं मिलेगी, जो उसकी ऑफिशियल गेम है वो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये गेम बैन हुई होती तो फ्रेंड्स आपके किसी के भी मोबाइल में ये नहीं चलती। तो फ्रेंड्स, भी अभी बैन नहीं हुई यार। अगर आपने कुछ दिनों पहले, आपको इंसिडेंट पता होगा कि जो टिकटॉक है वो प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, उसी तरीके से इसका भी कुछ ऐसे ही सिर्फ प्ले स्टोर से भी कुछ दिनों के लिए हटाई गई है। शायद से कुछ इसकी शायद इसमें गड़बड़ी हुई होगी या फिर ऐसा ही कुछ। और फ्रेंड्स, जैसा ही मुझे इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा तो मैं आपको पूरी डिटेल की वीडियो एक और बना दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी फ्री फायर कोई भी बैन नहीं हुई है, इसकी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि फ्री फायर बैन हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी गेम बैन होती है तो फ्रेंड्स वो किसी के मोबाइल में नहीं चलनी थी। जैसे कि आप देखते हैं, सभी के मोबाइल में अभी आराम से फ्री फायर रन कर रही है। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं यार, अभी ये कोई भी परमानेंट बैन नहीं हुई है, ये सिर्फ फ्रेंड्स प्ले स्टोर से हटाई गई है। जैसा कि जो टिकटॉक था वो कुछ दिनों के लिए प्ले स्टोर से हटाया गया था, उसी तरीके से ये भी कुछ दिनों के लिए हटाई गई है और शायद से फ्रेंड्स कुछ समय बाद ये वापस आ जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही मुझे इसके बारे में सारी डिटेल पता चलेगी तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स, आप सभी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अभी बैन नहीं हुई है, ये सिर्फ प्ले स्टोर से हटाई गई है। और फ्रेंड्स, अगर ये बैन होती तो ये इंडियन सर्वर में रन नहीं करनी थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी ये सभी मोबाइल में रन कर रही है, सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया यार क्योंकि मुझे 2 से 3 कॉल्स अभी तक आ चुके हैं कि SVJ भाई ये गेम बैन हो चुकी है, तो क्या हम क्या करें कि ये बैन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा था यार, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी ये कोई भी परमानेंट बैन नहीं है यार, ये सिर्फ प्ले स्टोर से हटाई गई है सिर्फ। तो और जैसे ही मुझे सारी डिटेल मिलेगी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।